सत श्री अकाल जी, आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने YouTube चैनल पॉजिटिव भाई पंजाब दे उत्ते। जिवें कि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड सी कि PSPCL दे मेन एग्जाम तो पहला एक मैराथन कराई जाए, तो थोड़े सामने हाजिर हाँ बेटे, लैके PSPCL वास्ते एक मैराथन क्लास। तो प्लीज़ क्लास में लाइक जरूर कर दियो, शेयर कर दियो, तो जिहड़े बच्चे चैनल पर नवे ने चैनल में सबसक्राइब कर लियो फॉर क्वालिटी कंटेंट वास्ते। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। ये राजे अपना जो कंप्यूटर होना है 10 नंबर का होना, ठीक है, 10 मार्क्स का। तो ये वास्ते आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर रहा, तुम अपने नाल लैवल भी चेक करना, एंड से लिख के जाना थोड़े 100 के विचों किन्ने क्वेश्चन करैक्ट ने और किन्ने थोड़े इनकरैक्ट ने। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन रहा राजे, ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर द मूविंग सीपीयू टू द न्यू प्रोसैस इज नोन एज। हुण की हुंदा राजे, जे आपां गल करिए सीपीयू, सीपीयू दे विच कड़ी एक मेन मेन मैमरी हुंदी है, दैट इज रैम। ठीक है, प्रोसैस का मतलब हुंदा कि मान लो जिवें प्रोसैस P1 है, मैं कोई फाइल नू की कीता ओपन कीता। ठीक है, प्रोसैस P2 की है कि मान लो मैं कोई MP3 की है सोंग नू प्ले करता। जिवें तुसीं अक्सर करदे होवोंगे, टाइपिंग करदे होवोंगे, नाल तुसीं सोंग वगैरह सुनदे हो, म्यूजिक सुनदे हो, तां P1 चल रिहा सीगा। P1 ऑलरेडी रैम दे विच सीगा, ते कंप्यूटर दे विच की हुंदा कि राजे एक टाइम ते एक प्रोसैस ही रैम दे विच आ सकता है, अदरवाइज उन्हूं की करना पऊगा। जे P2 ने आना तां P1 नू की करना पऊगा, बाहर आना पऊगा, जिहनूं कह दिंदे आ स्वैप आउट। की कह दिंदे आ? स्वैप आउट। ठीक है, स्वैप इन ते स्वैप आउट दी जिहड़ी टेक्निक हैगी राजे, उन्हूं कह दिंदे आ कॉन्टेक्सट स्विचिंग। की कह दिंदे आ? कॉन्टेक्सट स्विचिंग कह दिंदे आ, जिहदे विच की हुंदा है कि आपां नूं फील इदां हुंदा कि दोनों चीजां इकट्ठियां हो रहियां, बट जिहड़ा बैकएंड ते काम हो रिहा हुंदा राजे, उहदे विच स्वैप इन ते स्वैप आउट हुंदा प्रोसैस दा, उह इन्ना घट समां हुंदा है कि आए कह लो मिली सैकेंड, नैनो सैकेंड, मतलब कि 10 की पावर -12। ठीक है, इन्ना घट समा होंगे। ओके है जी, तो यदा फर्स्ट आंसर की है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। नेक्स्ट गल करते हैं आप, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर वो चीज होंगी जिन्होंने आप टच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी है, मोनीटर भी है, पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है राजे, ये हार्डवेयर नहीं है, ये की एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अगे कहिंदा जी, द फुल साइज रिजिड रेक्टेंगुलर कीबोर्ड दैट इनक्लूड द फंक्शन नेविगेशनल एंड न्यूमेरिक कीज। ठीक है जी, तां एक कीबोर्ड दे उपर कहिंदा भी उहदे विच फंक्शन की भी हैगियां ने, फंक्शन की कड़ियां हुंदियां ने, F1, F2 तो लैके F12 हो गईआं। ठीक है, इस तो अलावा न्यूमेरिक की कड़ियां हुंदियां, 1, 2, 3। ठीक है जी, नेविगेशनल की कड़ियां हुंदियां, अप एरो, डाउन एरो, राइट और लेफ्ट एरो। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਬੋਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਰਿਟੀ। ਕੁਐਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 6 ਲੈਟਰ ਨੇ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਲੇਆਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਬੋਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है जिहड़ा कि सॉफ्ट कॉपी देखने के काम आता है। ठीक है, प्रिंटर की है भी एक आउटपुट डिवाइस है, बट ये की करता है, एक हार्ड कॉपी जनरेट करता है अपना। स्पीकर भी की है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, बट जी बायोमैट्रिक डिवाइस है वो बेसिकली कादे वास्ते वरती जाती है? इनपुट वास्ते वरती जाती है। जिवें पिछे जे हुण फरमान होया सीगा कि सरकारी डिपार्टमेंटा दे विच जिहड़ी अटेंडेंस होगी बायोमैट्रिक होगी। बायोमैट्रिक होंगी जिदे विच आपां अपनी फिंगर दे थ्रू की करते हैं इनपुट करते हैं, जां फेस दे थ्रू की करते हैं इनपुट करते हैं। बाकी तुसी सारे पेपर देन जांदे हो, खास करके जिहड़ा ऑनलाइन पेपर हुंदा PSPCL दा, उहदे विच आ बायोमैट्रिक अपनी हुंदी हुंदी है जिहड़ी फोन दे नाल अटैच हुंदी है। ठीक है जी, तां बायोमैट्रिक की होगी? एक तरह की इनपुट डिवाइस होगी। नैक्सट चलते हैं, कहिंदा विच फीचर ऑफ द एक्सल ऑटोमैटिकली डिवेलप सैल फॉरमैटिंग वैन न्यू कंपोनेंट्स एडिड टू एंड ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, तुसी सारे की करते होंगे राजे, थोड़ा मैं चलो एक डायग्राम दिखाना है। आप मान लो जिम्मे नंबरिंग लिखनी है 1, 2, या तो आप मैनुअली लिखा 3, 4, बट एक्सल की है कि जो तुम राइट कॉर्नर से जाओगे थोड़ा एक प्लस का सिंबल मिल जूगा, जिन्हों कह देंगे डॉक्टर साइन, प्लस का साइन मिल जूगा। तुम थले ड्रैग करोगे तो ऑटोमैटिकली की हो जूगी, थोड़ी सीरीज फिल हो जूगी, जिन्हों की कह देंगे है जी ऑप्शन की कह देंगे लिस्ट ऑटो फिल। की कह देंगे राजे? लिस्ट ऑटो फिल। ठीक है जी, ए दी ऑप्शन आऊगी, तो थर्ड वन की हो गया, थोड़ा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते आप, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन LTE यूज इन द मोबाइल कम्युनिकेशन।
ठीक है, दो पूछते होंगे, जहां तक वोल्ट दी पूछ लेंगे, ठीक है, जहां फिर वोल्ट दी पूछेंगे, जहां फिर LTE दी पूछेंगे। तो जे LTE दी गल करिए, थोनू सारे नु पता होगी, मैं मोबाइल दिया फर्स्ट जनरेशन तो लैके फिफ्थ जनरेशन तक सारा कुछ करवाया होया चैनल ते। तो यदि राइट आंसर हैगा जी लोंग टर्म अवेलुएशन। ठीक है जी, हुण वोल्ट दी तुसी करनी है मैनू कमेंट बॉक्स दे विच, बाकी तो सेम ही है, अगे तुसी दसना मैनू। ठीक है जी, तो यदि जरूर दस के जायो। नेक्स्ट चलते हैं आपां, अगे गल करते हैं जी। कहिंदा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTOS। मैं एक टॉपिक करवाया तुसी स्पेशल PS PCL वास्ते करके जाना बेटे, मैं नाल नाल तुहानू गाइड कर रहा, एक दो दिन का समा हैगा तुहाडे कोले, प्लीज थ्योरी भी जरूर देख लियो। उहदे विच मैं कराया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स करवाइया ने, जिहदे विच मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोसैसर हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया, मल्टी प्रोग्राम्ड हो गया, ते इस तो अलावा मैं उच कराया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वह भी पढ़ के जायो तुसी, टाइम शेयरिंग हो गया। इतने जी फुल फॉर्म दस रहा भी जी RTOS है राजे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम के भी दो होंगे, एक हार्ड रियल होंगे एक सॉफ्ट रियल होंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिसे जिन्ना आप समा प्रडिक्ट कर लिया भी इन्ने समय के आपको रिस्पोंड बैक आऊगा, अपनी आउटपुट जनरेट होगी। जिमें मान लो वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, एयर ट्रैफिक हो गया, जिमें एरोप्लेन के जिमें मान लो उपर आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो वह हमेशा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वरत्या जाता है। ठीक है जी, अगे गल करते हैं। Which of the following is incorrect benefit for the information kiosk? Kiosk की होंगे राजे, जिम्मे थोड़ा ATM मशीन होंगी है, जहाँ फिर तुम जो मान लो मॉल च जाओगे किसी शॉप के बाहर पिया होगा, शॉप के रिगार्डिंग मतलब उस शॉप के बीच कि प्रोडक्ट के उपर कि सेल लगी हुई है, जो फिर तुम जिम्मे मान लो किसी वधिया रेस्टोरेंट के जाओगे, या फिर रेलवे स्टेशन से जाते होंगे, उत्थे भी थोड़ा kiosk मिल जूगा। तो यह कहता भी हेठ लिखा विचों केड़ा बेनीफिट नहीं है, तो राजे ये की है एक्टिव इंट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है, बाकियों के नालों अगर मैं सिंपल फ्लैक्स लगाई होगी तो ये लगाया होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन कि होगी, क्योस्क की होगी। अच्छा जी, आई कैचिंग तो होंगे ही होंगे, ये आई कैचिंग का मतलब की है कि अपनी नज़र हमेशा उत्ते जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि देखो जो मान लो मैं सेल चेंज करनी है, 10 दिन वास्ते मैं 50% सेल लगाई, अगले दिन वास्ते मैं 30 या 35 लगानी है, तो मैं अपना बैनर चेंज कराना पड़ेगा। ये की है जस्ट आप फीड करा आप इनफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो यदा राइट आंसर की बन गया, स्लो सर्विस नहीं हैगी राजे, उन्हें इनकरैक्ट ही पूछा, तो स्लो सर्विस का बेनीफिट नहीं है, ये तो फास्ट सर्विस है यदि। ओके है जी, अगे चलते हैं, क्योंकि ना देखो PS PCL जो कंप्यूटर है थोड़ा जहा टेढ़ा पूछा जाता है, तो कुछ ऊट पटांग जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगे गल करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 कह लो 19 कह लो। ठीक है, कि अपने को पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आप गल करते हैं राजे कि नहीं है। तो अपने को नोट्स पेज व्यू होंगे, आउटलाइन व्यू होंगे, नॉर्मल व्यू होंगे, स्लाइड सॉफ्टवेयर व्यू होंगे, लेकिन जो प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होंगे। मैं थोड़ा दिखा भी दिना, क्योंकि कई बार बच्चे देखी हुई चीज़ याद रह जाती है, तो आप प्लीज़ एक मिनट वास्ते इनू स्टॉप करा, थोड़ा मैं व्यू च दिखा। देखो आखो व्यू के जाके अपने को आ गए, देखो नॉर्मल हो गया, आउटलाइन हो गया, स्लाइड सॉफ्टवेयर हो गया, नोट पेज हो गया, रीडिंग व्यू हो गया, लेकिन जो आ कह रहे हैं प्रिंट लेआउट व्यू ये अपने को नहीं है, गा तो यह हो जाएगा अपना की है राइट आंसर हो जाएगा। क्लीयर है जी, अगे चलते हैं आप। देखो चलो मैं अगे स्क्रीनशॉट भी लगाया ही होया थोड़े हेल्प वास्ते, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता। नैक्सट चलते हैं जी। कहता विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सल फाइल एक्सटेंशन। हम बच्चे इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर जी तुम एक्सल की सू कराई हुई है .xls, ये तो 2003 वर्जन की है। अगर मैं अगर नैक्सट गल करें .xlsx जिहड़ा हैगा 2007 हो गया, 2010 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, ये सारे जिन्हें वर्जन हैगे है ये फाइल एक्सटेंशन होंगी है। बट इतने देखो जिमें पुठियां सीधियां पूछिया गई हूँ, आप करेंगे क्योंकि देखो जो एक्सल है राजे सॉफ्टवेयर है, वो बहुत सारे अलग अलग की होंगे, जिम्मे मैक्रो फाइल भी होंगी है, टैंपलेट फाइल भी होंगी है, बहुत सारिया फाइल्स होंगे ने जिदे बारे आप नॉलेज नहीं होंगी क्योंकि आप यूज़ नहीं करते, बट एग्जाम से पूछा गया इस करके आप इतने यूज करके तुम दसते हैं। ये आप पहली फाइल पढ़ते हैं। ठीक है, जे DIF फाइल की मैं गल करा राजे, जी DIF फाइल होंगी है वो डाटा इंटरचेंज फॉरमेट वास्ते वरती जाती है। जिम्मे मान लो एक्सल का डाटा मैं वर्ड के चेंज करना जां पावर पॉइंट के चेंज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वास्ते वरती जाती है। मान लो तुम शीट में कितने MS वर्ड के लैके जाना, तो DIF जी फाइल हैगी राजे तो की होगी, थोड़ी डाटा इंटरचेंज फॉरमेट होगी। ठीक है, नैक्सट फाइल पढ़ते हैं, जी DBF फाइल है राजे, वो हैगी डाटाबेस फाइल। डाटाबेस फाइल मतलब आप जो भी डाटा एक्सल के बना रहे होंगे कितना कितने जाके सेव होगा, तो वह इनबिल्ट डाटाबेस होंगे, तो DBF फाइल भी हैगी है,
बिल्कुल राइट है। अगे गल करते हैं डॉट पी आर एन फाइल। पी आर एन फाइल होंगी राजे प्रिंटर फाइल, जो आप प्रिंटर की कमांड दें, प्रिंट की कमांड दें, कंट्रोल प्लस पी, जिहड़ी फाइल जनरेट होंगी है राजे पी आर एन फाइल होंगी है। तो यदा राइट आंसर कहड़ा बन गया, यदा राइट आंसर बन गया जी डॉट डी ओ टी फाइल है ना, वो कोई भी फाइल नहीं होंगी। इन्होंने नॉट पूछा सी, तो राइट आंसर की बन जूगा थोड़ा डी ओ टी बन जूगा। ओके है जी, तो सारिया फाइल्स याद रखनिया ने। अगे गल करते हैं जी शॉर्टकट की, बहुत पूछते हैं अपने ते। इन एम एस एक्सएल 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू जूम इन स्प्रेडशीट। जूम इन भी पूछ सकता है, जूम आउट भी पूछ सकता है थोड़े तो, ठीक है ओदी मर्जी है। तो तुम मैं दसना हूँ, देखो ये राइट आंसर कहड़ा बनता अपने को। राइट आंसर बनता राजे कंट्रोल ऑल्ट ते इक्वल टू, कंट्रोल ऑल्ट ते इक्वल टू। जे जूम आउट करना राजे तो इतने हाइफन लगा दो अगे, तो जूम आउट हो जूगा, अदरवाइज ये हैगी है जी जूम इन दी। ठीक है जी, तो याद रख लियो दोनों। अगे गल करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर। एम आई सी आर की है राजे एक स्पेशल टाइप का कह लो स्कैनर कह लो, ठीक है, जिहड़ा कि चैक नू रीड करने वास्ते, जिहड़ा कि बैंक दे विच चैक नू रीड करता है। जिहड़े चैक्स हुंदे जिवें मान लो नंबर ऑफ चैक्स ज्यादा होणगे, मान लो 100 चैक आ गया एक ब्रांच दे विच, उहनू रीड करके उहदी इनफॉर्मेशन डिस्प्ले करता मोनीटर दे उपर। तां इहदी फुल फॉर्म बहुत वारी पुछदे आ राजे, इहदी फुल फॉर्म जिहड़ी हैगी है उह हैगी है मैगनैटिक इंक करैक्टर रैकोगनेशन। ठीक है जी, तां पहला फर्स्ट राइट आंसर बन जूगा। अच्छा तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना ओ सी आर दी, ओ एम आर दी, ठीक है ते ठीक है, ये तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के दस के जाना, ये भी पूछ लेंगे हैं। अगे गल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर की है राजे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हैगा गा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी की है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस भी की है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जे मैं गल करा इतने स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम केड़ा हुंदा है, एक्सेल हुंदा है, ठीक है, जिन्होंने आप कह दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह दें। तो इन्होंने की पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा केड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हैगा, अच्छा यही पूछ रहे हैं। तो 13 का जो आंसर बनता राजे थोड़ा जा ये की है गड़बड़ है क्वेश्चन के, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन एक मिनट मैंने रेज कर दो, क्वेश्चन के थोड़ी जी गड़बड़ है, इन्हें नॉट एप्लीकेशन पूछा। अच्छा जे आप गल करिए राजे, अच्छा ठीक है, फर्स्ट हैगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिम्मे मान लो जो कोई बंदा गेम खेलता है, ठीक है, वो हाई लेवल के ग्राफिक्स कार्ड यूज करता है, तो ठीक है जी एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर की हो गया, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, बिल्कुल ठीक है। स्प्रेडशीट एक्सल हो गया, एक्सल तो है ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो राजे ये दोनों कैटेगरी आता है, वैसे जो इनको आप देखा जाए तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आता है, बट जे इतने आप गल करिए डाटाबेस के आप जब टैली होगी अकाउंट वास्ते, ठीक है, जां फिर आप गल करिए ओरैकल दी, ठीक है, ये सारे की है एक तरह के डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, बट ये जे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आप रख सकते हैं, बट जे ज्यादा वेखना हो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आते हैं, बट मैं इतने रख रहा उन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। तो राइट आंसर की बन जूगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे राजे की होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। थोड़ा जहा क्वेश्चन के गड़बड़ सी, बट जे एग्जाम के हम आप तो है नहीं भी छड के आवेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि बाद में कई बार ऑब्जेक्शन वो की करते हैं एक्सैप्ट करते हैं, कई बार नहीं करते, क्योंकि डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक इदा का सॉफ्टवेयर है भी जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अगे चलते हैं आप। अगे है जी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर आई एस सी। आर आई एस सी की है राजे, जोड़ा माइक्रो प्रोसैसर आता है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसैसर इंटल कंपनी ने बनाया 4004, ठीक है। हुण इहदियां जो दो टाइप्स हुंदियां ने राजे, दो तरह का माइक्रो प्रोसैसर आता अपने को, एक हुंदा रिस्क एक हुंदा जी सिस्क, ठीक है। रिस्क हुंदा जिहनूं आपां कह दिंदे आ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर, जिहदे विच की है डायरैक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन नूं की कर दिंदा, वो एग्जीक्यूशन मोड दे विच चला दिंदा है। एक हुंदा कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर, उहदे विच मशीन कोड नूं पहलां माइक्रो कोड च करदा है, फिर की है इंस्ट्रक्शन जनरेट करदा, उस तों बाद एग्जीक्यूशन हुंदी है। तो दोनों पुछ लैंदा हुंदा आपां नूं, आपां आर आई एस सी दी देखदे हां की आंसर आउंदा है। तो यह हैगा जी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर। जे सी आई एस सी पूछ लूगा तो इन आप कह देंगे कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर, ठीक है जी, दोनों ही याद रखने ने, दोनों तो फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगे गल करते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट रिगार्डिंग द ड्रम प्रिंटर। प्रिंटर की राजे मैं एक छोटी जी वीडियो कराई हुई है, जरूर देख लियो, वेड़े पेज प्रिंटर होंगे, कि लाइन प्रिंटर होंगे, इंपैक्ट कहे होंगे, नॉन इंपैक्ट कहे होंगे। हुण मैं तुहानूं गल दसदा, जिहड़े इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर हुंदे आ जिहदे विच की हुंदा है राजे, जिवें आह मान लो मेरा इंक दा रिबन है, इह मेरी इंक है, इहदे विचकार पेपर हुंदा, इहदे उपर की आ हैमर स्ट्राइक करदा, तां करके इत्थे प्रिंटिंग हुंदी है।
हैमर की डायरैक्ट की होंगी है, डायरैक्ट कनैक्शन होंगे कहते हैं पेपर के नाल, ये उत्ते स्ट्राइक करता है तो थोड़ी जी नॉइस पैदा करता, उन्होंने कह देंगे इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट वो होंगे जिद डायरैक्ट कोई भी हैमर का की है लिंक नहीं होंगे गा पेपर के नाल, जिमें कोई लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है या फिर कोई होर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिद कोई भी पेपर के उपर स्ट्राइक नहीं किया जाता, वो नॉन इंपैक्ट होंगे है। तो इतने गल करते हैं जी जो ड्रम प्रिंटर है वो बिल्कुल राइट है, एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर है क्योंकि ये ड्रम के उपर पेपर होंगे, पेपर के उपर की होंगे हैमर होंगे। इस तो बाद अगर आप गल करिए कहना दे आर यूज टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज यूजिंग कार्बन पेपर, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक ने, इतने जिहड़ियां दोनों स्टेटमेंट ने राजे वो ठीक ने, तो आंसर आऊगा बोथ वन एंड टू आऊगा, उन्हें करैक्ट ही पूछा सी, करैक्ट दोनों ने। आ देखो आ ड्रम प्रिंटर है, ड्रम के विच की है, आ पेपर है, पेपर के उपर की है, देखो हैमर स्ट्राइक कर रहा है, तो थोड़ा मैं दस्या जिते हैमर डायरैक्ट स्ट्राइक कर रहा पेपर के नाल उन्होंने आप कह देंगे ड्रम प्रिंटर, ये ड्रम प्रिंटर ने इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी च आते हैं। अगे गल करते हैं जी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होंगी है जिसे लेजर लाइट यूज होंगी है, ठीक है लेजर लाइट की होंगी है यूज होंगी है, जिम्मे हम मान लो थोड़ी डीवीडी होगी, सीडी रोम होगी, सीडी रीडेबल होगी, पर जो मैमरी कार्ड होंगे राजे वो की होंगे एक तरह का फ्लैश मैमरी होंगी है, की होंगी है फ्लैश मैमरी होंगी है। हम डीवीडी की फुल फॉर्म की है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, ठीक है ये सीडीआर है, ठीक है सीडीआर है, क्लियर है जी। तो इतने जो मैमरी कार्ड हैगा राजे वो भी एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क नहीं हैगी, आ देखो थोड़े सामने ठीक है सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क सारिया ऑप्टिकल होंदिया ने। अगे गल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है जी, डिजिटल डिजिटल की होंगे राजे जिमें आ देखो मैं पेन से जिन्हों पेन पेन से टैबलेट कह देंगे है जिसे थ्रू मैं देखो कुछ भी लिख सकता, इदा की मेरे को एक इनपुट की है स्लेट जी मिल जाती है उसके उपर मैं लिख सकता, ठीक है। स्पीच रेकोगनेशन डिवाइस की होंगी है जिम्मे मान लो मैं माइक के कुछ बोलता है, जिम्मे सर्च करते हो गूगल के उपर टाइप नहीं करते लेकिन माइक के बोल दें हो, या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करते हो, ठीक है। तो तिने की हो गई राजे अपनिया की हो गई, एक तरह दियाँ इनपुट डिवाइस हो गई, यदा आंसर की बन जूगा सैकेंड बन जूगा, ठीक है जी सैकेंड की हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। आ देखो डिजिटल रे होंगे राजे पेन टैबलेट जिन्होंने आप कह दें, तो जी आप स्पीच रेकोगनेशन बोलते हैं आप देखो कुछ भी फोन के इनपुट करते हैं माइक्रो के थ्रू तो रिकॉर्ड होकर वो की हो जाती है इनपुट हो जाती है। अगे कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द एड्रैस ऑफ द एक्टिव मैमरी लोकेशन, रजिस्टर कि मैमरी होंगी है राजे, रजिस्टर एक टैंपरेरी मैमरी होंगी है जी कि माइक्रो प्रोसैसर के उपर इनबिल्ट होंगी है। रजिस्टर का काम की होंगे जिम्मे मान लो मैं एक सॉल्व करना सीगा कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करना 7+2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। तो हम ये की होंगे बॉडो मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मेरी ब्रैकेट सॉल्व होगी, जो 7+2 किया मैं प्रोसैसर ने प्रोसैसिंग करनी है तो यह रिजल्ट की हो जाएगा जनरेट हो जाएगा 7+2, ठीक है 9 हो गया, तो यह रिजल्ट जो है राजे कितना कितने जाके मैमरी लगेगा वो कि मैमरी लगेगा और रजिस्टर मैमरी लगेगा, रजिस्टर मैमरी बिल्कुल क्लोज होंगी है माइक्रो प्रोसैसर के, फिर उस तो बाद अगली प्रोसैसिंग होगी 9 × 5, तो माइक्रो प्रोसैसर की होंगे रजिस्टर की होंगे एक टैम्परेरी मैमरी होंगी जी कि माइक्रो प्रोसैसर के उपर इनबिल्ट होंगी है, अजकल ये नाल ही आती है पहले वक्री आती सी, हुण पुछ की रहा है कहिंदा वो किहड़ा रजिस्टर है जिहड़ा कि एड्रैस नू होल्ड करूगा एक्टिव मैमरी लोकेशन, एक्टिव मैमरी लोकेशन की मतलब जिहड़ी मैमरी जिहड़ी फाइल आपां की कीती होई है खोली होई है रैम दे विच जिहड़ी प्रोसैसिंग दे दौरान चल रही है उहदे कंटेंट को किहड़ा रजिस्टर कैरी करके रखूगा, इहदा आंसर दसदा मैं तुहानू, इहदा हैगा जी MAR जिहनू कह दिंदे मैमरी एड्रैस रजिस्टर, यह मैमरी बफर रजिस्टर हुंदा है, यह प्रोग्राम काउंटर हुंदा है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हुंदा है, ठीक है जी, तो मैमरी एड्रैस रजिस्टर बोलते हैं उहनू। अगे कहते हैं जी डैश इज द प्रोसैस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक दैम अवेलेबल फॉर द इनिशियल और अडिशनल प्रोसैसिंग एज वैन रिक्वायर्ड, देखो जान के घुमाया पाया बहुत ज्यादा क्वेश्चन के विच है कुछ नहीं हैगा गा, ठीक है कहता भी कि प्रोसैस है जो आप डाटा नूं सेव करते हैं आप मतलब जो कुछ जरूरत पैंदी आप आपको चाहिए होंगे तो राजे आप कहोंगे स्टोरिंग कहोंगे स्टोर करना स्टोरिंग, ठीक है जान के टेक्निकल टर्म यूज की और स्टेटमेंट को घुमाया होया क्योंकि एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि बच्चा गलती करे और तुसी गलती नहीं करनी, स्टेटमेंट को एक दो बारी पढ़ना है तो उस आंसर थानू उ मिल जूगा, ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं आप अगे कहता जी MS वर्ड 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डिक्रीजिंग द फाउंट साइज बाय 1 पॉइंट, मतलब कि जिम्मे मान लो मैं 17 1 पॉइंट की हो जाएगा 16 15 डिक्रीज होगा, जे इनक्रीज करना तो जिम्मे 18 19 एक एक पॉइंट इनक्रीज हो जाऊगा,
पहले आप गल डिक्रीज की करते हैं। डिक्रीज वास्ते शॉर्टकट की केड़ी हैगी है, आ कंट्रोल प्लस ओपन स्केयर ब्रैकट। ये केड़ी ब्रैकट होंगी है राजे? ओपन स्केयर ब्रैकट, ठीक है। हुण ये डिक्रीज की है, जे मैं इनक्रीज की गल करा उहदे वास्ते होंदी है राजे कंट्रोल प्लस क्लोज स्केयर ब्रैकट, ठीक है। ये किहदे वास्ते होंदी है राजे? इनक्रीज वास्ते, ठीक है। याद रख लो दोनों, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों माइंड के होनी चाहिए। अगे गल करते हैं, कहता पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फंक्शन टैब इज करैक्ट, केड़ा करैक्ट है। जे मैं क्लिप बोर्ड की गल करा राजे, क्लिप बोर्ड की होंगे कि मान लो मैं इतने लिखा हैलो, इनू मैं कॉपी कर लिया, इनू मैं की कर लिया, कॉपी कर लिया। हुण कॉपी करन तो बाद जो मैं कॉपी कमांड यूज कर ली, इन्हें कितने ना कि जाके मैमरी लैनी, क्योंकि इन्हें की किया हैलो वर्ड को कॉपी कर लिया। वो जी कमांड होंगी है टैंपरेरली कितने स्टोर हो जाती है? क्लिप बोर्ड के हो जाती है। क्लिप बोर्ड कितने होंगे? होम टैब के होंगे। अगे हो गया इमेज से व्यू। इमेज नाम की पहली गल तो कोई ऑप्शन ही नहीं होंगी, पिक्चर की होंगी है। तो पर पिक्चर की ऑप्शन कितने होंगी? इंसर्ट टैब के होंगी है। तुम्हें मैं दिखा भी दिना एक बार प्रैक्टिकली, क्योंकि थोड़े दिमाग के होना चाहिए। आ देखो जी होम टैब देखो क्लिप बोर्ड आ पाया, ठीक है। तो जे मैं इंसर्ट के जावा तो पिक्चर आ जूगी, अदरवाइज इमेज नाम का कुछ भी नहीं होंगे ऑप्शन अपने को। राइट है जी, तुम इस तरह याद रखनिया ने। टैब वगैरह भी कई बार पूछ लेंदा है। तो इतने देखो ओनली वन, ओनली वन ने करैक्ट पूछा है ना, करैक्ट पूछा सी, तो ओनली वन। ध्यान के नाल जे इनकरैक्ट पूछा होगा तो ठीक है, ओनली टू आंसर आऊगा। इतने कन्फ्यूजन हो जाती कई बार बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के, तुम यह गलती नहीं करनी गी। अगे चलते हैं, एम एस वर्ड 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टैक्स टू हैडिंग टू। हैडिंग टू की होंगे राजे? जिम्मे एम एस वर्ड के ना इनबिल्ट डिजाइन होंगे हैडिंग वन टू तो लैके फोर तक होंगे है। वह कहता जे मैं हैडिंग टू अप्लाई करना हो तो शॉर्टकट कमांड केड़ी है? तो वो शॉर्टकट कमांड होंगी राजे कंट्रोल ऑल्ट प्लस टू। जे मैं कह वन करना तो वो की आजगी राजे? कंट्रोल ऑल्ट प्लस वन। थ्री करना थ्री आजगा, फोर करना फोर आजगा। करके वेख लियो अपलाई, ठीक है, बहुत सौखा है। अगे चलते हैं जी, आप कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल सिम कार्ड, ठीक है जी। जे तो देखो मेरा मोबाइल गवा जाए वह आई एम ई आई नंबर। हूँ यदि फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं राजे, यदि फुल फॉर्म तुम मैं कमेंट बॉक्स दसनी है, ठीक है जी। तो पर जे सिम की गल करिए तो वह आंसर है जी आई एम एस आई। आई एम एस आई की होंगे जी? इंटरनेशनल मोबाइल सबसक्राइबर आइडेंटिटी। ये की होंगे जो पहले तीन नंबर होंगे है वह दसते हैं कंट्री कोड, अगले तीन नंबर दसते हैं नैटवर्क का भी कि नैटवर्क यूज कर रहा, मैं बी एस एन एल कर रहा है, जियो कर रहा, कि कर रहा। अगले जो बाकी नंबर बच गए वह होंगे मेरा सिम नंबर, ठीक है जी। तो आई एम एस आई, आई एम ई आई भी बहुत बार पूछते जी अपना मोबाइल गवाच जाए, जो मतलब कोई सिम कट के सिट भी दे तो भी उन्होंने ट्रेस कर सकते हैं आप आई एम ई आई नंबर के नाल। ओके है जी, नैक्सट चलते हैं। पावर पॉइंट 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ग्रुप सिलेक्टेड शेप पिक्चर और वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। मान लो आपकी स्लाइड के कर लिया, आप कोई पिक्चर भी लै ली, शेप भी लै ली, शेप मान लो कोई ट्रैंगल लै ली, सर्कल लै लिया, ओवल शेप लै ली, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट लै लिया, कोई पिक्चर लै लिया, सबनों कट्ठे सिलेक्ट करना है। तो उसके वास्ते कमांड केड़ी होंगी है राजे? वास्ते कमांड होंगी है कंट्रोल प्लस जी। पर जे मैं वर्ड के गल करा, जे मैं वर्ड के गल करा तो कंट्रोल जी कहदे वास्ते होंगे? गो टू कमांड वास्ते, ठीक है जी। याद रख लियो कंट्रोल प्लस एच कहदे वास्ते होंगे? रिप्लेस वास्ते, ठीक है। कंट्रोल प्लस के कहदे वास्ते होंगे राजे? कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक वास्ते, ठीक है। सारा कुछ पता होना चाहिए, दिमाग ता ही चलूगा, ता ही आप क्रैक करांगे। कंट्रोल प्लस आई कहदे वास्ते होंगे? इटैलिक फॉर्मेट वास्ते। तो सारा कुछ याद रखना भाई, ता ही एग्जाम क्रैक होगा। अगे गल करते हैं जी, डैश इज ए लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कि प्रिंटर ने? वो प्रिंटर जे एक टाइम तो एक लाइन प्रिंट करते हैं, पर अजकल जे प्रिंटर है राजे उन्होंने स्पीड मेजर की जाती है पीपीएम पेज पर मिनट, क्योंकि अजकल के प्रिंटर एक टाइम तो एक पेज कट देंगे है। पहला करैक्टर कटते थे, फिर लाइन कटते थे, अजकल पेज कट देंगे है। तो कि लाइन प्रिंटर राजे? जो डॉट मैट्रिक्स हैगा, यह एक करैक्टर प्रिंटर है, एक ही एक करैक्टर प्रिंटर है। इंकजेट की है राजे? पेज प्रिंटर है। लेजर भी की एक तरह का पेज प्रिंटर है। तो राइट आंसर की बन जूगा? ड्रम प्रिंटर से लाइन प्रिंटर दोनों की ने, लाइन प्रिंटर की कैटेगरी आते हैं। चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर से चेन प्रिंटर जिहड़े हैगे राजे दोनों की ने? लाइन प्रिंटर ने। ओके है जी, अगे चलते हैं। आप अगे कहिंदा जी सीडी रोम ते डीवीडी किहदियां एग्जाम्पल ने? सीडी रोम ते डीवीडी तुहानू मैं दस के हटिया राजे, किहड़ियां डिस्क होंदियां ने? इह होंदियां ने जी अपनियां ऑप्टिकल डिस्क। जे मैं मेन मैमरी की गल करा, मेन मैमरी किहड़ी होंदी है? रैंडम सैक्स मैमरी ते
रीड ओनली मैमरी। रीड ओनली मैमरी राजे अगे फर्दर थोनू मैं कराई हुई है, चार तीन टाइप की होंगी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, और जिदे विच ज्यादा क्वेश्चन फसते हैं वो होंगे जी पी डबल ई पी रोम। हुण इत्थे बच्चे की करते हैं इलैक्ट्रॉनिकली लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। ई हैगा जी इलैक्ट्रीकली वास्ते, इलैक्ट्रीकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी 101% क्वेश्चन आता है। मैगनैटिक डिस्क कि होंगी है जी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जिदे विच की है मैगनैटिक मीडियम यूज होंगे, कैशे मैमरी की होंगी है जी कि सीपीयू ते मेन मैमरी के विचकार होंगी है। ठीक है जी, तो सारा कुछ पता होना चाहिए भाई। अगे चलते हैं, अगे गल करते हैं जी। एक्सल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एड द सैल स्पैसीफाइड बाय द गिवन कंडीशन। अच्छा जी ये की कह रहा है, मान लो कि मैं कोई स्पैसिफिक सैल की एडिशन करनी है, जिहड़ा सम फार्मूला है वह तो की करूंगा रेंज का कर दूंगा। मान लो मैं सम करना है, मैं सम फार्मूला लगाता इक्वल टू करके सम करता, मैं कहता कि मान लो A1 तो लैके रेंज देती B5 तक, यह तो सारे का सम कर दूंगा। बट आप कि कोई स्पैसिफिक सम करना तो सम के होंगे कि सम के मान लो पहला रेंज दे दिए, तो उस तो बाद कोई क्राइटीरिया दे दिए कि आप अकॉर्डिंग है। मान लो मैं देता वा ग्रेटर दैन 60% वाले बच्चे ने, बच्चों की जोड़े मार्क्स वह सम करना है, या कल बॉयज का सम करना है, गर्ल्स का करना है, तो वो वास्ते राजे जो फंक्शन होंगे होंगे सम इफ। की कहें उन्होंने सम इफ, सम का मतलब की है जोड़ करना, इफ का मतलब की है नाल कंडीशन भी अपलाई होगी। तो यही कह रहा कि किसी स्पैसिफिक कंडीशन के दौरान सम करना एड करना सैल्स में, वो किहड़ा फार्मूला करूगा सम इफ करूगा। बाकी फार्मूले वाली वीडियो जरूर देख लियो भाई, फार्मूले वाली वीडियो मैं कराई हुई है एक्सल की सारी। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा रिसीवर इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम केड़ा हो गया, जिहड़ा नैटवर्क सिस्टम हो गया, जिहदे च सेंडर भी हुंदा है रिसीवर भी हुंदा है। उस रिसीवर नूं की कह दिंदे राजे, सिंक कह दिंदे है। ठीक है, टैक्निकल भाषा दे विच की कह दिंदे है, सिंक कह दिंदे है। अगे चलते हैं जी आप 29 दे वल। अगे की कह रहा, कहिंदा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन डिस्पले आर अवेलेबल ऑन द वैब ब्राउजर। वैब ब्राउजर केड़ा हुंदा जिहड़ा कि आपां नूं वैब नूं एक्सेस करन वास्ते वरत्या जांदा, जिवें गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, नैट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये कहिंदा बैक पे बैक नाम की ऑप्शन भी हुंदी है, फॉरवर्ड बटन भी हुंदा, एड्रैस बार भी हुंदा, रीफ्रैश भी हुंदा, तो सारे हुंदे भाई। तुहानूं मैं दिखा भी दिंदा, ये सारा कुछ ही हुंदा। आ देखो ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड है, रीफ्रैश है, स्टॉप वाला, ये होम है, इहदे विच आपां बुकमार्क भी कर सकते हैं, एड्रैस बार भी हुंदी है। ठीक है, सब कुछ ही कर सकते हैं भाई, तो सारा कुछ याद रखना। अगे गल करते हैं जी, आह वाला आ गया क्वेश्चन, देखने को बहुत औखा लग रहा है लेकिन बिल्कुल सौखा है। जनरेशन के उपर क्वेश्चन पुछदा ही पुछदा PSPCL दे विच। कहिंदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर दे विच की कहिंदा, कहिंदा दे आर मोर रिलाईएबल एंड लैस प्रोन टू द हार्डवेयर फेलियर दैन द फस्ट जनरेशन। ओबियस है, जो नैक्सट जनरेशन आऊगी वो नालों की आ चंगी होगी, माड़ी तो हो नहीं सकतीगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सैकेंड के की है राजे, जो पहला जनरेशन है उन्हें की वैक्यूम ट्यूब यूज की सी, सैकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर यूज होए थे, थर्ड के IC यूज होए थे, फोर्थ के माइक्रो प्रोसैसर, पंजवें के USI यूज होए थे। तो ये कहता भी इन दीज कंप्यूटर थाउजेंड ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर हैड टू बी असैम्बल्ड मैनुअली बाय द हैंड इन टू द इलैक्ट्रॉनिक सर्कट। ये ट्रांजिस्टर वरत्या गया इलैक्ट्रॉनिक सर्कट को बनाने वास्ते, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कहता दे वर समॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है जी, समॉलर साइज के लिए। अजकल आप देखते हैं जो लेटेस्ट है लैपटॉप नोटबुक किन्ने छोटे हो गए हैं, तो एक जनरेशन तो बाद जो दूजी जनरेशन आती है ओबियस वह वेट भी लाइट होगा तो साइज भी समॉलर होगा। तो ये की हो गया जी, थोड़िया फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तिने की हो गई करैक्ट हो गई, तो थर्ड का आंसर की बन गया, थोड़ा थर्ड बन गया। अगे गल करते हैं जी टर्न अराउंड टाइम। हूँ टर्न अराउंड टाइम की होंगे थोड़ा मैं दस दिना। मान लो थोड़ा मैं दसिया राजे रैम होंगे, रैम की एक मेन मैमरी है रैंडम सैस मैमरी। हुण मान लो मैं प्रोसैस P1 है, P2 है, P3 है। P1 का मतलब की है कि मैं कोई फाइल ओपन करनी है, MP3 सोंग चलाना है, नाल मान लो कोई मैं एक्सल की फाइल खोलनी है, टैली की फाइल खोलनी है, जो मर्जी मान लो। मान लो पहला रैम बिल्कुल खाली सीगा, P1 की हो गया एंटर हो गया, हुण जिहड़े P2 ते P3 की हो गए ये रेडी क्यू दे विच चले गए। ठीक है, रेडी क्यू का मतलब की है, रेडी क्यू का मतलब की है कि रेडी ने जो इन्हों फ्री मिल गया रैम तो यह अंदर चले जाएंगे। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम की होंगे कि जो तो प्रोसैस एंटर हो जाता रैम के प्रोसैसिंग होने वास्ते, जो तो प्रोसैस एंटर हो के एग्जिट नहीं होंगे, मतलब वह काम पूरा नहीं होंगे। मान लो इन्हें 5 सैकेंड लेने काम पूरा करने वास्ते, एंटर होने तो लैके एग्जिट होने तक के विचकार का जो समा है राजे, उन्होंने कह देंगे टर्न अराउंड टाइम।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲ 2019। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਟੈਬ। ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਔਰ ਹਾਈਡ ਦਾ ਫੋਕਸਡ ਆਈਟਮ ਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਟੇਢੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇਨ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸ ਮੈਂ ਨੱਪਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸ ਨੱਪੂੰਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਤੇ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਟੂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਕੈਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਟੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਲਿਖਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਥ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ ਕਰਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਫੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 11 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਲਊਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿੰਨੀ ਕਰਨਲ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਈਕ, ਸੋਰੀ, ਮਿੰਨੀ ਕਰਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ, ਮਿੰਨੀ ਕਰਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕਸ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਚੈੱਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ
सारी बुक नहीं, विचों कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइन नु की करना है, मैं हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी करना तो मैं ओसीआर दी वरतों करदा हां, ठीक है। जड़ियां हाई फाई लाइब्रेरीज होंदियां उत्थे हुंदा, जिवें अजकल ज्यादा हाई फाई आ गए, जो मैं हार्ड कॉपी कर रहा नाल दे नाल मैनूं सॉफ्ट कॉपी शो हो रही है, ठीक है। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी चेंज कर दिंदा है, एक तरह दा स्कैनर ही हुंदा है। अगे गल करदे हां जी, कहिंदा इन एमएस वर्ड 2019 विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट वर्ड दे विच हुंदा राजे लेफ्ट, ठीक है। हुण सेंटर दे विच करना मैं, तां देखो ये लेफ्ट लाइन हुंदा है, इनू सेंटर लाइन कह दिंदे आ, इनू राइट दे इक हुंदा जस्टिफाई। जस्टिफाई यूज हुंदा राजे जिवें न्यूज़पेपर हुंदे आ तुहाडे, मैगजीन्स हुंदियां ने जिहदे विच की आ दोनों तरफ तों की हुंदा सेम साइज दा हुंदा है, लाइन ना अगे हुंदी ना पिछे हुंदी है। हुण जे मैं लेफ्ट लाइन दी गल करां, इहदे वास्ते लेफ्ट लाइन वास्ते हुंदा कंट्रोल प्लस एल, राइट वास्ते हुंदा जी कंट्रोल प्लस आर, बट हुण सेंटर वास्ते कंट्रोल प्लस सी नहीं हो सकदा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी कदे वास्ते हुंदा है, कॉपी करन वास्ते हुंदा है। तां फिर सेंटर अलाइनमेंट वास्ते की होगा राजे, कंट्रोल प्लस ई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आउंदा, चाहे कोई पेपर लै लो पंजाब दा, कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस सी कादे वास्ते हुंदा, कॉपी करने वास्ते। कंट्रोल प्लस डी कादे वास्ते हुंदा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलन वास्ते। तो कंट्रोल प्लस के कादे वास्ते हुंदा, हाइपरलिंक जनरेट करने वास्ते। तो सारा कुछ आपां नूं आउंदा जी, आपां करके आउना है। अगे गल करदे हां जी, एमएस पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शॉर्टकट फंक्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। पावर पॉइंट 2019 की गल कर रहा मैं, करेक्ट वाले दसने हैं, ठीक है जी, बिल्कुल जेडे करेक्ट है आप उदा की गल करनी है। पहला कहता जी कंट्रोल प्लस टी, की कहता जी, ओपन द फाउंड डायलॉग बॉक्स टू चेंज द करेक्टर फॉर्मेटिंग। बिल्कुल ठीक है जी, जे देखो जो ओपन फाउंड डायलॉग बॉक्स है ना, वो खोलन दिया नंबर ऑफ कीज ने, चाहे कंट्रोल डी नाल खोल लो, कंट्रोल प्लस टी नाल भी खुल जाता है। तो पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हुण पेपरों के बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कंट्रोल डी दे नाल ही खुलता है, एक तो वध कीज हो सकती हैं। हुण सैकेंड कहिंदा जे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ नपूंगा तो कहिंदा प्रिंट द प्रेजेंटेशन, गलत है। कंट्रोल शिफ्ट एफ नपोंगे तो भी की खुलूगा, थोड़ा फाउंड डायलॉग बॉक्स खुलूगा। तो ये की उन्हें करैक्ट पूछा सी, तां कि करैक्ट है, ओनली फर्स्ट करैक्ट है, तो राइट आंसर की बन जूगा अपना, थर्ड बन जूगा। अगे चलते हैं जी, आ देखो आया हुंदा जी फाउंड डायलॉग बॉक्स, जिहदे विच मैं फाउंड स्टाइल साइज, उहदा फाउंड फेस, फाउंड फैमिली, इफेक्ट पा सकदा मैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर सकदा। ओके है जी, अगली गल करते हैं जी। कहिंदा मैच करो जिहड़ियां अपने कोले फाइल एक्सटेंशन दित्तियां होईयां, जिहड़ी टेक्स्ट फाइल हुंदी है राजे, तुहानूं मैं दस्सिया इह कहदे वास्ते हुंदी है, नोटपैड दी फाइल हुंदी है, नोटपैड दी फाइल हुंदी है, जिहनूं आपां टेक्स्ट फाइल भी कह दिंदे आ, तां इह इहदे नाल मैच हो गया। अगे जिहड़ी डॉट डीओसी है राजे, 2003 दा वर्ड दी फाइल हुंदी है, ते जिहड़ी ग्राफिक फाइल हुंदी है डॉट जेपीजी, जिहनूं कह दिंदे आ ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है जी। तां इत्थे जिहड़ा आंसर बनदा अपने कोल, अगर आपां मैचिंग करिए, तां फर्स्ट दी है सैकंड दे नाल, सैकंड दी है थर्ड दे नाल, ते थर्ड दी है फर्स्ट दे नाल, तां राइट आंसर की बन गया अपने कोल, सैकंड बन गया। अगे चलदे हां जी आपां, कहिंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन परपस ऑफ हैकिंग। हैकिंग क्यों करदे आ लोग, हैकिंग करदे लोग जां तां अपनी पब्लिसिटी करने वास्ते कि मैं बहुत तकड़ा हैकर हाँ, ठीक है, फुकरी फुकरी मारने वास्ते जिहनूं आपां कह दिंदे आ, जां फिर की है जिवें किसी की अकाउंट हैक कर लैंदे आ, जिवें मान लो कोई, जिवें मान लो किसी बैंक की वैबसाइट हैक कर ली पैसा कमाउण वास्ते, जां फिर कई सनकी हुंदे आ एडवेंचर वास्ते, फंक्शन करन वास्ते, ठीक है। तां तिन्ने की हो गई अपनी राइट ऑप्शन हो गई, तां सौखा क्वेश्चन सीगा। अगे चलदे आ, अगे कहिंदा जी, कहिंदा हू ड्राफ्टिड ए रिपोर्ट एंड ए मशीन डिस्क्रिप्शन दैट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कहिण दा भाव पुछ रहा भी ईडीबीएसई का निर्माता कौन है, फाउंडर कौन है, डायरेक्ट पुछ रहा, बस घुमा के तुहानूं क्वेश्चन पूछा गया। तो वह हैगा जी जॉन वॉन नीमॉन, ठीक है जी, ये है ना जी ईडीबीएसई के फाउंडर कह लो, ठीक है, इदा का कंप्यूटर होंदा सीगा, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अगे गल करते हैं जी, जावा स्क्रिप्ट की गल करते हैं, जावा होंगी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर मैं जावा स्क्रिप्ट की गल करा राजे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होंगी है वैब पेज के कोई भी, जिवें आपां एक्टिव एक्स नूं की करन वास्ते, एक्टिव एक्स हुंदा जिवें कोई नोटिफिकेशन नूं आपां ओके करदे आं, अलाउ करदे आं भी इस वैबसाइट तों अपने कोल नोटिफिकेशन आया करूगी, ठीक है, तो उहदे वास्ते स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कीती जांदी है, जिवें पीएचपी भी एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो कहिंदा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट अबाउट द जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की करैक्ट पूछ रहा है। तो पहली कहिंदा, कहिंदा जावा स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्ट फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन टू क्रिएट द फॉर्म टेबल एंड जी यू आई कंपोनेंट। इस तो अलावा जिवें तुसीं ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हो,
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਆਈਟਮ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਆਈਟਮ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਬਣਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਫ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ 2019 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਨੱਪਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਲੀਟ 1 ਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਇੱਥੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਨੱਪੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਨੱਪੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਵਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਲੀਟ ਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰਸਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰਸਰ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਦਰ 1 ਨੋਰ 2, ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਮ ਐਸ ਐਕਸਲ 2019, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਏ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਨੱਪੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜੁਆਇਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ। ਜੁਆਇਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਅਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ 48 ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਡਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ TCP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਫਾਰ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲਾਈਏਬਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਡਾਟਾ। TCP ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੀਸੀਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਯੂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਲੀਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਰਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਰੈਪਲੀਕੇਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵਾਂਸ ਰੀਡ ਮੈਨੀ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਾਂਸ ਰੀਡ ਮੈਨੀ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ 50 ਮਾਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਬ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੰਡੋ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਵਿਊ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਦਰ ਵਨ ਨੋਟ ਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਦੇਖੋ ਆ ਪਏ, ਵਿੰਡੋ ਟੈਬ ਆ ਪਈ, ਦੋਨੇ ਟੈਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਦੋਨੇ ਨੀਦਰ ਵਨ ਨੋਟ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਕਰੋ ਵੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਟੈਬ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਓ ਐਲ ਈ ਡੀ ਮੋਨੀਟਰਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓ ਐਲ ਈ ਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮੋਨੀਟਰ, ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਿਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ। ਫਿਰ ਲੈਡ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿਖੂਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ, ਥੋੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓ ਐਲ ਈ ਡੀ। ਤਾਂ ਓ ਐਲ ਈ ਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਡ ਰਾਈਡ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟਰੈਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਕ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕ 1 ਟਰੈਕ 2। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰ 1, ਸੈਕਟਰ 2, ਸੈਕਟਰ 3, ਸੈਕਟਰ 4, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਸੀਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਕ ਆਮ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 4 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਕ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬੀਇੰਗ ਅਸੈਸਡ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ 4 ਨੰਬਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕ। ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸੀਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ
बारकोड स्कैनर समझ गए। तुसीं जाणदे ना भाई शॉपिंग मॉल दे विच ब्रांडेड कपड़े लैण, कोई चीजा लैण, माइक्रोफोन हुंदा जिहदे विच आपां अपनी आवाज इनपुट करदे हां, स्पीकर दे विच आउटपुट हुंदी है, ठीक है जी। प्रिंटर की हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं हैगा। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा फॉर डिजिटल डाटा, कहिंदा व्हाई डिजिटल ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड टू एनालॉग ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन कहड़ी हुंदी है राजे, पहला आपां एनालॉग दी गल करते हैं। एनालॉग हुंदा जिहड़ा कि साइन वेव दे विच कम करदा है, ठीक है। डिजिटल हुंदा जिहड़ा जीरो ते वन दी फॉर्म दे विच कम करदा। अजकल सारा कुछ डिजिटल आ रहा, जिवें इत्थे की आ वन है, इत्थे जीरो है, इत्थे वन है, जीरो है, इहदी फॉर्म च कम करदा है। हुण कह की रहा आपां नूं, कहिंदा पिया है भी केड़ा फॉर, कहिंदा मतलब प्रेफर्ड केड़ा करदे आपां। पहला कहिंदा लोअर रिलायबिलिटी, डिजिटल दी गल कर रहा है, डिजिटल दी गल कर रहा है। कहिंदा डिजिटल जिहड़ा हैगा वो लो रिलायबिलिटी है एज कंपेयर टू एनालॉग, जिहड़ा कि गलत है क्योंकि इहदी हाई है। अगला हैगा जी हाई ट्रांसमिशन स्पीड, बिल्कुल ठीक है, डिजिटल ज्यादा फास्ट है, नो मॉडर्न रिक्वायर्ड। डिजिटल दे विच राजे मॉडर्न दी जरूरत नहीं हुंदी, जदों आपां एनालॉग टू डिजिटल करना या डिजिटल टू एनालॉग करना तां जरूरत हुंदी, अदरवाइज जरूरत नहीं हैगी। तां आपणा इहदा जिहड़ा आंसर बनदा राजे, इहदा आंसर बनदा थर्ड, 55 दा जिहड़ा आंसर बनदा आपणा वो केड़ा बनता जी, थर्ड बनता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट की होगी गलत होगी। क्यों, उन्हें की क्या कि केड़ी ट्रांसमिशन केड़ा केड़ा मतलब कि स्टेटमेंट प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू डिजिटल और एनालॉग। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा विच ऑफ द फॉलोइंग कंबीनेशन इज नॉट करैक्ट। नॉट करैक्ट पूछा, ध्यान दे नाल, कई बार बच्चे पढ़ते नहीं किसी का डायरेक्ट उत्ते आ जाते हैं आंसर से, ठीक है। नॉट पूछा है तो पहली गल करते हैं, कहिंदा क्रे वन कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, बिल्कुल ठीक है। CDC 1604 ये सैकेंड जनरेशन का है। EDBAC ये गलत है राजे, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। EDC ठीक है, अनेक हो गया, ENIBAC, UNIBAC, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ये सारे की ने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने। तो उन्हें पूछा कि ये राजे भी केड़ा नहीं करेक्ट गा, तो थर्ड करेक्ट नहीं हैगा, तो 56 का आंसर की बन गया अपना, थर्ड बन गया। अगे कहिंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हुण 3D प्रिंटिंग एक्चुअल च हुंदी की है, 3D प्रिंटिंग हुंदी है, मान लो मेरी स्क्रीन ते कोई मॉडल सीगा, जिवें मान लो कोई बच्चे का खिलौना है, मतलब कोई भी खिलौना, मान लो कोई, मान लो गड्डी है, मैं थोड़ी जी गड्डी बना देना, वैसे मेरी ड्राइंग तो इन्नी वधिया नहीं कि चलो मैं मान लो एक गड्डी बनाती, ठीक है। इस गड्डी का मैं कि हार्ड कॉपी जनरेट करनी है, जो मैं प्रिंट इतने मतलब देख रहा हूँ वह हार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने कह देंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हम कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, की है वक्रिया वक्रिया टेक्नोलॉजीज यूज होंगे ने राजे, तो ये तुम मैं आंसर दस दिना। जी फर्स्ट हैगी है डिजिटल लाइट प्रोसैसिंग, ये भी होंगी है, स्टीरियो लिथोग्राफी भी होंगी है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग भी होंगे, लेकिन जो सॉलिड लेजर सिंथरिंग है ये नहीं होंगी गी, ये कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, ना ही यूज होंगी है 3D प्रिंटिंग दे विच। आ मैं लिखिया होया राजे, 3 डिमेंशनल प्रिंटिंग इज एन अडेप्टिव मैनुफैक्चरिंग प्रोसैस दैट क्रिएट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन टू कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना है, किमें क्रिएट करते हैं, कोई प्लास्टिक मटीरियल यूज करके, कोई पाउडर यूज करके, कोई फिलामेंट यूज करके, ठीक है, इदा का मटीरियल यूज करके आप की करते हैं, हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा वन फेमटो सैकेंड की दे किन्ने सैकेंड के बराबर होंगे, तो हम देखो यार ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए भी 10^-9 की होंगे, 12 की होंगे, 15 की होंगे, 18 की होंगे, क्योंकि एग्जामिनर कदे भी हम फेमटो से नहीं पूछूगा, की पता अगली बार किसी होर से पूछ लवे, तो आप सारा कुछ देखते हैं। पहला गल करते हैं कि जो फेमटो सैकेंड यूज कितने होंगे, ज्यादा जिथे अखा का ऑपरेशन होंगे, अपना जरा लेजर लाइट के ना ऑपरेशन कराने ना स्पैक्स वगैरह उतारने वास्ते उत्थे यूज होंगे, तो यह बेसिकली सैकेंड के किन्ने हिस्से के बराबर होंगे, ये अपन पूछ रहा है, तो यह होंगे राजे 10^-15, मतलब कि सैकेंड का 10^-15 हिस्सा होंगे, तो इन्ना ज्यादा फास्ट होंगे। अगे आप गल कर लीए, जे आप थलो शुरू करिए 10^-1, 10^-1 का की मतलब कि 1/10 जिन्होंने आप कह दें, तो यह होंगे जी डेसी सैकेंड। फिर 10^-2 कह लिए कि 1/100, ये की होंगे जी सेंटी सैकेंड। 10^-3 मिली सैकेंड, -6 माइक्रो सैकेंड, 9 -9 नैनो सैकेंड, पीको सैकेंड, ठीक है जी। अगे गल करा जी मैं एटो सैकेंड, फेमटो सैकेंड, एक हो गया जैप्टो सैकेंड, जोक्टो सैकेंड, प्लैंक टाइम, बस इस तो उपर कुछ नहीं होंगे, इस तो ज्यादा मेरा ना ही तुम पूछूंगा, ठीक है जी। अगे गल करते हैं आप, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। गीगो राजे जावा दे विच भी यूज होंगे, तो C++ दे विच, इहदे विच की है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट किया, उस तो बाद मैनूं उहदी जरूरत नहीं हैगी, ऐ कह लो तुहानूं समझाउण वास्ते कोई फाइल क्रिएट की, वो लॉन्ग टर्म अपनी मैमरी च पई रहिंदी है, लेकिन आपां नूं उहदी जरूरत नहीं हैगी, तां उहनूं की है वो अपने वास्ते की हो गई, एक तरह की कूड़ा हो गया, गारबेज हो गया, उहनूं मैं आउट करना है,
आउट का मतलब कि उन्हें मैं परमानेंट डिलीट करना, उन्होंने कह देंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, एक फंक्शन यूज होंगे जिहड़ा कि जंक फाइल नूं डिलीट करता जिहड़ियां फाइल्स यूज नहीं हो रही, तो इन्हें कह देंगे जी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है एग्जाम के विच, तुसीं याद रख लियो। अगे कहिंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हैगा जी, नेटस्केप भी हैगा ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਵੈਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਬੂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 60 ਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਥਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੌਟ ਬੂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਓਪੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ। ਜ਼ੂਮ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ੂਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10%, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 500%। ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ 100%। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ 10% ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 400%, ਤੇ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ 100 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500% ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੱਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੱਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 61 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਡਬਲਯੂ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਡਬਲਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਲਟ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਮ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਈਟ। ਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 8 ਬਿਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੀਲਡ, ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੇਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਏਜ ਲੈ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ABC, ਉਹਦੀ ਏਜ ਲਿਖਤੀ 22, ਅਗਲਾ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ZV, ਉਹਦੀ ਏਜ ਲਿਖਤੀ 24, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ, ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ, ਤੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਬੁੱਕ ਇਨ MS Excel। ਰਾਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰੰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ MS Word ਹੋਵੇ, Excel ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ W, ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਏ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਪ, ਐਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡਲਵੇਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲਵੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਿਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟਾਸਕ ਸੱਚ ਐਜ ਡਿਸਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਸਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੀ ਡਰਾਈਵ, ਡੀ ਡਰਾਈਵ, ਈ ਡਰਾਈਵ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਟਾਈਪ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਡਰੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਸਲ 2019 ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਨ ਪੀ ਈ ਆਰ, ਐਨ ਪੀ ਰਾਜੇ ਮੈਥ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਮਤਲਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ, 12 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਡੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਓ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੂਡੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਓ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਪਲੱਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਬਣਦਾ, ਫਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਓਪਨ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਵ ਇੰਟੀਗਰ ਫੀਚਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਸਵੇਅਰ ਹੈ ਇਹ US ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਜੇ, US ਦਾ ਹੈ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਡਮੀ ਲਿਖਾਂ ਇਹ ਵੀ US ਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਇਡੀਅਟ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। 3 ਇਡੀਅਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਮੀਰ ਖਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਪੀਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ H। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ H ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ H ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ H ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਆਲ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ 1/1 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਆਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਡੀਅਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ H ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਲ F ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਟਰੋਲ D ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੇ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 1971 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ,
ड्रम प्रिंटर की होंगे राज एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर होंगे बट ये पेज प्रिंटर नहीं होंगे बट ये मल्टीपल कॉपी जनरेट कर सकता है। की कर सकता है? मल्टीपल कॉपीज नू की कर सकता है? जनरेट कर सकता है। तो राइट आंसर की बन गया सैकेंड से थर्ड क्योंकि उन्हें करेक्ट पूछा सीगा तो करेक्ट ही स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट कह ने सैकेंड से सॉरी 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 सैकेंड से थर्ड नहीं उन्हें की पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर के वास्ते राजे ये मैं गलत ला गया ये आंसर आना थोड़ा एक मिनट फोर्थ आंसर आऊगा ध्यान देना देखो जिवें मैं गलती की तुसी गलती नहीं करनी फर्स्ट ते थर्ड आऊगा क्योंकि सैकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है फर्स्ट सही है ते थर्ड सही है। अगे चलते हैं जी जिप डिस्क एंड विनचेस्टर डिस्क की एग्जाम्पल ने राजे दोनों मैगनैटिक डिस्क एग्जाम्पल ने मैगनैटिक डिस्क कि होंगी है जिन्हों आप कह दें हार्ड डिस्क कह दें तो इन पहला विनचेस्टर डिस्क भी कहें इन्हों ना मैगनैटिक मीडियम यूज होंगे है ठीक है जी की कह देंगे इन मैगनैटिक डिस्क कह देंगे है। अगे कहता जी वट इज़ द यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल तुम्हें दसिया कि राजे जो साइन वेव के मूव करता है तो ये जो कहता यूनिट पूछ रहा आप देखो वोल्ट होंगे है। अगे कहता जी डैश इज एन इंटरनेट सिक्योरिटी मईयर एंड डैश इज एन इंटरनेट डिवेलपमेंट टूल। देखो थोड़ा जहा क्वेश्चन टेढ़ा है बट ये इन्ना भी है नहीं गा थोनों मैं जिम्मे हम जावास्क्रिप्ट करवाया है जावास्क्रिप्ट की करता है अपना कहता जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरनेट डिवेलपमेंट टूल बिल्कुल ठीक है पर जो फायरवॉल होंगे राजे फायरवॉल की होंगे एक तरह का थोड़े लैपटॉप के विंडो के इदा की सिक्योरिटी होंगी है कि जो तुम इंटरनेट तो कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो उन्होंने फिल्टर करके थोड़े तक भेजता है मोनीटर करके भेजता है जी चीज़ हार्मफुल होगी उन्होंने की कर दूगा ब्लॉक कर दूगा उन्होंने कह देंगे फायरवॉल जिम्मे एंटीवायरस की करता है वायरस को डिटेक्ट करके डिलीट करता है। अगे कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक हैंडलिंग अप्रोच। डेडलॉक होंगे राजे जिम्मे मान लो आ देखो मान लो ट्रैफिक इधरों भी आ रहा है 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 इतने लाइट्स खराब हो गई हमें डेडलॉक हो गया मान लो ये कहें असी पहले जावे ये कहें असी जावे ये कहें असी जावे असी जावे जाम लग गया डेडलॉक हो गया उमें राजे जिम्मे मान लो ऑनलाइन कोई भी डाटा मूव करता ट्रैवल करता जा कह लो रैम के की है P1 पहला प्रोसैस चल रहा है P2 कहता मैं भी चलूंगा P3 कहता मैं भी चलूंगा P4 कहता मैं भी चलूंगा उत्थे भी डेडलॉक आ जाता है जाए कह लो घर के टीवी एक सीगा ठीक है थोड़े फादर कहते जी मैं तो मैच देखना है थोड़े मदर कहते जी मैं तो कोई सीरियल देखना है तुम कहने जी मैं तो रैसलिंग देखनी है तो डेडलॉक हो गया टीवी एक है वरतन वाले तीन जिते रिसोर्स की कमी हो लेकिन यूज करने वाले ज्यादा हो तो उत्थे डेडलॉक हो जाता है तो डेडलॉक कहते भी हैंडल किवें कर सकता है कंप्यूटर हैंडल हैंडल नहीं कर सकता इनू डिटेक्ट कर सकता है जां कोई इदां दी चीज कर दिंदा है प्रिवेंट करने की चीज कर दिंदा है कि ये ना ही आवे इदां दी कंडीशन ना आवे इन फ्यूचर की जरूरत ना पवे कि डेडलॉक होवे बट सीडिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होंगी तो उन्हें पूछा भी कि अप्रोच होंगी ओनली फर्स्ट एंड सैकेंड होंगी है कि होंगी है राजे फर्स्ट एंड सैकेंड होंगी है 77 का की आंसर आऊगा फर्स्ट आऊगा सीडिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होंगी। अगे कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रजिस्टर। तो रजिस्टर की कहता कहता पार्ट ऑफ द मेन मैमरी गलत है मेन मैमरी का पार्ट नहीं होंगे राजे माइक्रो प्रोसैसर का पार्ट होंगे कि पार्ट होंगे राजे माइक्रो प्रोसैसर का पार्ट होंगे कहता होल्ड द डाटा टैंपरेरली तो बिल्कुल ठीक है डाटा नु टैंपरेरली स्टोर करता बफर वांगू ठीक है ओनली टू स्टेटमेंट आऊगी। अगे गल करते हैं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम पॉसिबल इंटरनेट सिक्योरिटी मईयर्स। एंटीवायरस भी है बिल्कुल ठीक है एसएस कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी होंगे है फायरवॉल भी होंगे यूजर लॉगिन ते पासवर्ड कहना मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी वास्ते आप एंटीवायरस भी वरतते हैं एसएस कंट्रोल सॉफ्टवेयर जिदे विच आपां किसी चीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हैं उन्होंने अलाउ कर सकते हैं फायरवॉल होंगे है मोनीटरिंग करने वास्ते यूजर नेम ते पासवर्ड भी कहते वास्ते होंगे सिक्योरिटी टूल होंगे है तो कहने का मतलब सारे ही होंगे ने तो सैकेंड आंसर हो जाऊगा। अगे गल करते हैं जी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर जी का होंगे दो तरह के स्कैनर होंगे राजे एक होंगे फ्लैट बैड तो एक होंगे हैंड हैल्ड शायद बिल्कुल पिक्चर नहीं भेजी मैं फ्लैट बैड होंगे जो आम स्कैनर देखते हैं जिम्मे फोटोस्टेट मशीन होंगी है आल इन वन ही आती ना उस स्कैनर भी होंगे फोटोस्टेट मशीन भी होंगी है एक होंगे हैंड हैल्ड जो बारकोड रीडर तुम शोरूम के देखते हो जितने कोई मान लो कपड़ा लैन जाने हो तो प्राइस टैग में की करता रीड करता है कहता कि हम देखो क्वेश्चन दे विच की पूछ रहा आपां नूं क्वेश्चन दे विच ओह पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू स्टेटमेंट तुसीं दसनियां ने रिगार्डिंग इमेज स्कैनर ठीक है। पहला कहता कहता स्टोर एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इनकलूड टैक्सट ते पिक्चर एज ए डॉट DOC गलत है एज DOC नहीं करता राजे टैक्सट ते पिक्चर नूं की करता डिजिटल फॉरमेट के सेव करता है कि डिजिटल फॉरमेट के सेव करता है।
सेकंड कहता अलाओ वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ इट स्टोर टेक्सट। सेकंड की कह रहा है कहता अलाओ वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ स्टोर टेक्सट, ठीक है जी। यदि आंसर बनता है जी अपना ये भी गलत है, क्योंकि ये देखो जो टेक्स्ट नू रीड करूंगा उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट करूंगा, कदे भी उन्होंने रीड मतलब प्रोसेस नहीं करूंगा, उसके कोई फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, तो नीदर वन नॉट टू। उन्हें करेक्ट पूछा सी, दोनों च कोई करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। तो आईसी की फुल फॉर्म सौखी है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी किवें दे हुंदे तुहानू मैं दिखा दिंदा, इदां दे हुंदे आ, इदां दे आईसी हुंदे आ। ये थल्ले की लगियां हुंदियां ने किल्लां कह दिंदे आपां पंजाबी च, कह दिंदे किल्लां लगियां। तां किल्ला मैं तां कह रहा क्योंकि इहदा जिहड़ा फाउंडर हैगा उहनूं कह दिंदे जैक किल बाय। इत्थों याद रख लियो आईसी थल्ले की लगियां हुंदियां किल्लां, किल्लां तों याद रख लियो जैक किल बाय फाउंडर है आईसी दा। अगे गल करते हैं जी, कहिंदा पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फंक्शन इज करैक्ट। कहिंदा कंट्रोल प्लस डिलीट की करता, डिलीट वन वर्ड टू राइट। बिल्कुल ठीक है जी राजे, मैं हैलो वर्ड लिखिया, इत्थे मेरा कर्सर है, मैं कंट्रोल प्लस डिलीट की नपूंगा पूरे का पूरा वर्ड डिलीट कर दूंगा। जे मैं कल्ली डिलीट की नपूंगा एक करैक्टर करूंगा डिलीट, फिर नपूंगा अगला करैक्टर करूंगा। सेकंड कहिंदा बैक स्पेस की करती है, कहिंदा डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। गलत है, कल्ली बैक स्पेस की करती है, डिलीट वन वर्ड नहीं करती, वन करैक्टर करती है। करैक्टर का मतलब कि जिवें मैं हैलो लिखिया तो बैक स्पेस की नपूंगा तो एक करैक्टर नूं की कर दूंगी डिलीट कर दूंगी। तो कहने का मतलब कि है जो 82 है राजे को आंसर उन्हें करैक्ट पूछा से अपने को, कल्ली फर्स्ट वाली करैक्ट है। अगे कहता जी डैश इज ए लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर अपने को केड़ा, पिछले मैं कोई होर पूछ लिया सीगा, हुण तुहानूं पता ही होना चाहिए लाइन प्रिंटर केड़ा अपने को। राजे जो चेन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, कल्ले लाइन प्रिंटर ने, इंकजेट भी पेज प्रिंटर है, ये करैक्टर प्रिंटर है, ये हैगा जी पेज प्रिंटर, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी, कहिंदा डैश आर द साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। डोमेन हो गया, ठीक है, डोमेन समझते हो ना, जिवें मान लो मैं जिवें कह दिंदा डॉट आई इन इंडिया वास्ते, डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन वास्ते, ठीक है, डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट की वैबसाइट है, ठीक है जी। तो आईपी एड्रैस होंगे जिवें मान लो किसी वैबसाइट का अपना आईपी एड्रैस होंगे हरेक वैबसाइट का, ज हरेक कंप्यूटर का कह लो, ठीक है, जिवें हरेक बंदे का मोबाइल नंबर वक्रा होंगे, हरेक कंप्यूटर का आईपी एड्रैस वक्रा होंगे। वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी है। ब्रीच होंगे राजे उलंघना करना, किसी चीज़ की उलंघना करना, ठीक है, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी है। तो सारिया की ने यह साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही आदि ने, ठीक है। एक थोड़ा मैं दस दिना वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क की होंगे राजे, जिवें मान लो कोई भी तीन चार कंप्यूटर या डिवाइसिज है वो अटैच ने लेकिन थ्रू वायरलैस, उन्होंने डायरैक्ट कोई कनैक्शन नहीं है गा, वह कह देंगे वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क, ज कह देंगे अडहॉक नैटवर्क। जिम्मे मान लो आ इंटरनेट है, ब्रांच है, आ हेडक्वार्टर है, ए हाउस है, मोबाइल है, सारे की ने इंटरनेट के कनैक्टेड ने, पर डायरैक्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन वायरलैस के थ्रू कनैक्टेड ने, कह देंगे वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क। अगे गल करते हैं जी, कहता पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द शॉर्टकट की इज करैक्ट। कंट्रोल प्लस के कहता कहदे वास्ते है, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। गलत है, तुहानू मैं दस्सिया ये कहदे वास्ते हुंदा है, हाइपर लिंक वास्ते, क्योंकि बोल्ड वास्ते की हुंदा है कंट्रोल प्लस बी हुंदा है। आई कहदे वास्ते हुंदा, कहिंदा अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग। बिल्कुल ठीक है, कहिंदा विच फंक्शन इज करैक्ट। तो ओनली टू है, तो फोर्थ आंसर हो गया 85 का, किन्ना हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। अगे कहिंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करैक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काम करता है राजे, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, मैमरी मैनेजमेंट भी करता है। तो बिल्कुल ठीक है, मैमरी मैनेजमेंट करता, मैमरी एलोकेट भी करता, डी एलोकेट भी करता है, ठीक है, लै भी लेंदा ते प्रोवाइड भी करता ते डिलीट भी करता है। अगे कहिंदा जी फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता राजे, ये फाइल नू रिट्रीव करना, शेयरिंग करना, तो बोथ वन एंड टू आ जाऊगा। अगे कहिंदा जी विच पावर, अच्छा इन पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन। हुण इत्थे पंगा पाऊगा, डॉट पीपीटी, ठीक है, डॉट पीपीटी हैगी है जी 2003 दी, 2003 दी, ठीक है। उस तो बाद डॉट पी पी टी एक्स, ये हैगी है जी 2007, 10, 16 ते 19। तो पहली स्टेटमेंट भी की होगी गलत होगी, क्योंकि गलत तां होगी क्योंकि उन्हें 2019 दे विद रिस्पेक्ट पूछे है, तो पहली गलत होगी। जी दूजी हैगी डॉट पी पी टी एम, ठीक है, हम पी पी टी एम के बारे आप देखते हैं भी पी पी टी एम है या नहीं हैगी। डॉट पी पी टी एम ना टैंपलेट की फाइल होती है, लेकिन इतने गलत है, डॉट पी पी एम हो सकती है, माइक्रो फाइल हो सकती है, लेकिन पी पी टी एम नहीं होंगी, डॉट पी पी एम होंगी है। तो नीदर वन नॉट टू, ठीक है जी। अगे गल करते हैं, कहता एम एस वर्ड 2019 वट हैपन
वैन डाउन एरो की इज प्रेस, डाउन एरो की कड़ी होंगी है ए वाली, ए अप वाली होंगी है राइट वाली, तो ए लैफ्ट वाली। हम डाउन एरो की नपांगे कहें आप कितने चले जावे, ये पूछ रहे आप, ठीक है। जे मैं डाउन एरो की नप दूंगा तो मैं की कर चला जाऊंगा राजे, एक लाइन डाउन चला जाऊंगा, एक लाइन कर्सर की चला जाऊंगा डाउन चला जाऊंगा, बट आप सारियां याद रखनिया ने। जे मैं लेफ्ट एरो की नप दू कर ली तो मैं एक वर्ड लेफ्ट चला जाऊंगा, वर्ड समझते हो पूरे पूरा, जिम्मे मैं हैलो लिखा तो पूरा पूरा वर्ड मैं इतने खड़ा तो मैं इतने आ जाऊंगा, राइट नप दांगे तो एक वर्ड राइट चला जाऊंगा। पर जे मैं कंट्रोल प्लस अप एरो की नपूंगा, जे कली नपूंगा तो एक लाइन उपर चला जाऊंगा, जे कली नपूंगा एक लाइन डाउन चला जाऊंगा, बट जे मैं नाल कंट्रोल नप दूंगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ स्किप कर दूंगा, ठीक है। जे मैं कंट्रोल नप लिया तो मैं उपरले पैराग्राफ के बिगनिंग दे चला जाऊंगा, जे मैं कंट्रोल नप के डाउन एरो की नपूंगा तो पैराग्राफ के एंड दे आ जाऊंगा, जे विदाउट कंट्रोल यूज करूंगा तो मैं लाइन के उपर चला जाऊंगा, लाइन के थले चला जाऊंगा, ठीक है जी। सारियां याद रखनिया ने तुसी। अगे कहिंदा जी सीडी रोम इज डैश एसेस डिवाइस। सीडी रोम की है राजे, जिन्होंने आप कह दें डायरैक्ट, क्योंकि जो मैगनैटिक टेप होंगे सी, जो रीलां होंगे सी पुराने टाइम से तुम देखिया होनगियां इदा दियां, जिद ए साइड बी साइड सोंग होंगे सके, जिद मैगनैटिक मटीरियल यूज हों की। मान लो जो पांच सोंग है तो मैं फोर्थ नंबर सोंग सुनना तो मैंने फर्स्ट थर्ड की करने पैंते सी, फॉरवर्ड करने पैंते सी, क्योंकि वो की सीगा एक तरह का सिक्वेंशियल आप सीरीज के ही असैस कर सकते सी डाटा को। बट जिम्मे हम यूएसबी है सीडी आप डायरैक्ट, मान लो 100 ट्रैक है, मैं 96 नंबर ट्रैक सुनना मैं डायरैक्ट जंप कर सकता, जिन्होंने कह देंगे डायरैक्ट असैस या फिर कह देंगे रैंडम असैस, जिम्मे रैम है थोड़ा। अगे गल करते हैं जी, कहता फाइल नेम ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन मैक्सिमम डैश करैक्टर। फाइल नेम की है कि तुम कोई भी फाइल जनरेट कर दो मैक्सिमम किन्ने लेंथ दे सकते हो, नाम कितना बड़ा दे सकते हो, तो 255 करैक्टर का नाम दे सकते हो, 255 इज द राइट आंसर। अगे गल करते हैं जी, कहता विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज इट्स ब्रेन। तो सेंट्रल प्रोसैसिंग सिस्टम जो होंगे सीपीयू होंगे उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अगे गल करते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट डिस्प्ले ए करैक्टर सिंबल और नंबर सैट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। अच्छा जी नॉर्मल लाइन थोड़ा मैं दस दिना, हूँ मैं कह देव इतने कह देव हैलो, ये नॉर्मल लाइन है। स्लाइटली अबव का मतलब की है कि जे मैं कह देव एक्स, ये भी नॉर्मल है, एक्स की पावर 2, ये नॉर्मल लाइन तो थोड़ा जहा अबव चला गया, जिन्होंने आप कह दें सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट वास्ते शॉर्टकट की होंगी राजे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिंबल, पहले मैं कंट्रोल की नपूंगा शिफ्ट नपूंगा तो फिर की नपूंगा मैं प्लस नपूंगा। सब स्क्रिप्ट की होंगे जिम्मे मैं कह देव H2O स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन, तो ये वास्ते कंट्रोल की नप दो इक्वल टू नप दो, ये दोनों पूछिया जाए बार बार पूछिया जाए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे है, एक कन्फ्यूज होने वाली गल नहीं है कि थोड़ा मैं दस दिना, एक की होंगी है, इको की के उपर दो चीज़ा होंगे, एक प्लस का सिंबल एक इक्वल टू का, जो थले वाली चीज़ पानी है वो वास्ते कभी भी शिफ्ट नपन की जरूरत नहीं होंगी, जो उपरला सिंबल पाना होंगे वास्ते हमेशा शिफ्ट नपना पैंता है। तुम याद रख लियो सुपर विच की आ, सुपर वाला सुपर की उपर, सुपर से उपर, सुपर तो कि उपर वाला सिंबल पाना, सुपर से उपर, जो उपर वाला सिंबल पाना तो अपने शिफ्ट नपना ही पेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, कंट्रोल नप के शिफ्ट तो नपना ही पैना नाल प्लस का सिंबल, तो थलड़ा जो पाँगा आप कंट्रोल से सीधा थलड़ा नंबर नप लो तो थोड़ा की हो जाएगा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगे गल करते हैं, कहता करंट का क्वेश्चन भी पूछ सकता थोड़ा PSPCL के, कहता विच स्टेट फ्रेंड प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंट। प्रोजेक्ट फ्रेंड प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया राजे, ये है कि है बेसिकली जमीन जिन्हिया भी गवर्नमेंट दर्विसिज हों सारियाँ इको थान पर प्रोवाइड कीतिया जाएँ ऑनलाइन, उतों की स्टेटमेंट उतों की गवर्नमेंट ने एक इनीशिएटिव लिया, तो कहता जी इट इज़ द की मिशन मोड ऑफ ई गवर्नेंस टू कस्टमर, ठीक है। ई गवर्नेंस की होंगे कि ऑनलाइन जिन्हिया भी गवर्नमेंट दर्विसिज होंगे वो कस्टमर को प्रोवाइड करनिया होंगे, लाइक ये कहता फ्रेंड का मतलब की है, कहता फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ सर्विसिज। सर्विसिज प्रोवाइड करने वास्ते सिटीजन नू एक सिंगल विंडो के उपर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिन्होंने कहते हैं फ्रेंड प्रोजेक्ट। अगे गल करते हैं जी, कहता नेम ऑफ द शॉर्टकट की फॉर द मैक्रोज। मैक्रो की होंगे थोड़ा मैं, चलो हम मैक्रो वाला पंगा पै गया, वैसे तो मैक्रो मैं करवाए हुए हैं थोड़ा वर्ड के बहुत चंगी तरह, क्योंकि एक्सल से जो पावरपॉइंट जो मैक्रो आप करते हैं थोड़ा जहाँ करते हैं टाइम खाते हैं वो कोडिंग होंगी है, पर यह शॉर्टकट की होंगी है ऑल्ट प्लस F8। मैं मैक्रो होंगे की है तो मैं करके दिखा, चलो क्योंकि अज तो पहले शायद तुम मैक्रो देखे भी नहीं होने, पर प्लीज़ देख लियो, वैसे मैं करवाए हुए है। मैं एक वर्ड की की लै लैंना, फाइल लै लैंना थोड़े सामने, वर्ड की मैं की लै लैंना, फाइल लै लैंना, तो मैं मैक्रो करके दिखा दिना, ठीक है। मैक्रो मैं तुम्हें करके दिखा दिना, मैं थोड़ा जहाँ स्क्रीन कर देव वी, ठीक है, कलर कर दिना।
ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਲਟ ਪਲੱਸ F8 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇਮ ਦੇਤਾ ਹੈਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਲੋ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿਨੂੰ, ਐਡਿਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੱਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 7, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 7 ਦੇ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਈਨਡ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ 7। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 4 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਅਸਾਈਨਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣੀ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਰੀਲ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਈ ਬਲੈਂਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਣਾ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਨੱਪੂੰਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 4 ਕੀ ਨੱਪੂੰਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਕੀ ਨੱਪੂੰਗਾ 4। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਕਰੋ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਹੈਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਇੱਕ ਹੈਲੋ। ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਲੋ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 4 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 4 ਨੱਪੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਪੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਪੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਲਟ ਪਲੱਸ F8 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ক্লোਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ক্লোਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਕਿਹਦੇ ক্লোਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ক্লোਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਊਸ ਸਕਰੋਲ ਵੀਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਨੱਪ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਊਸ ਸਕਰੋਲ ਵੀਲ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਸਟ ਰਿਕੋਗਨੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਆਈ ਸੀਗੀ 6 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਔਰਕੁਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ? 6 ਡਿਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਮੂਲੇਟਰ। ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ 5 + 2 × 9। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 + 2 ਕੀਤਾ, 7 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ PC ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, P1, P2, P3 ਰੈਡੀ ਨੇ।
ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਲਡ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਯੂ ਹੈ, ਸੀਪੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ ਮਾਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੀਪੀਯੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਐਮਐਸ ਵਰਡ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਐਲ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਯੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਕਜ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਮਐਸ ਵਰਡ 2019 ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 70 ਤੇ 30% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 70% ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, 30% ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇ ਤਿਵੇ ਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਏ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।